हम हमारे भाग्य को बदल नहीं सकते हैं, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। हमारे भाग्य को हम संवर अवश्य सकते हैं, ये हमारे हाथ की बात है। मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और साथ में कुछ अच्छे कर्म करते हैं, आपके भाग्य को संवार अवश्य सकते हैं। आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको मौका मिल जाए ऐसा, तो ये उपाय आप अवश्य कर ले। राहु केतु की तो प्रसन्नता आपको अवश्य प्राप्त होगी ही, वो बात पे पूरा भरोसा रखे। साथ में वो बात पे भी भरोसा रखे कि एक माँ का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, जो आशीर्वाद से आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आपने सोचा नहीं होगा, ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं आप, ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल दबाएं, परिवार से जुड़ जाएं। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बिना भूले भगवान श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, ये छोटी रिक्वेस्ट हर दिन करता हूँ और करता रहूँगा। आप छोटे गांव में रहते हैं या तो बड़ी सिटी में रहते हैं, आप कोई भी धर्म से हैं, पहले भी बोला दोबारा भी बोल देता हूँ, कोई भी दिन कोई भी समय पे और कोई भी अवस्था में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जब कुत्ती पिल्ले को जन्म देती है, गली मोहल्ले में भटकते हुए कुत्ते, वो कुत्ती जब पिल्ले को जन्म देती है, तब वो भूखी बैठी रहती है पिल्ले के पास, 3-4-5 पिल्ले को एक साथ में जन्म देती है, भूखी बैठी रहती है, मगर खुद के पिल्ले को छोड़कर, खुद के बच्चे को छोड़कर कहीं दूर जाती नहीं है। वो भूखी प्यासी एक ही जगह पे बैठी रहती है। अगर ऐसी कुत्ती आपको कहीं भी नजर आ जाए दोस्तों, तुरंत ये उपाय अवश्य कर ले। बाजरे की रोटी बनाइए आपके घर के अंदर ही, नहीं बाजरी बाजरा बाजरी नहीं खाते, कई घरों में नहीं खाते, तो बाजरे का आटा बाजार में से ले आए, 250 ग्राम 500 ग्राम जितना, बाजरे की रोटी करके बनाइए। अब रोटी बन जाए बाद में वो रोटी को मसल दे, साथ में थोड़ा गुड़ भी मसल दे। अब जहाँ भी कुत्ते ने पिल्ले को जन्म दिया है, एक पेपर डिश ले, पेपर डिश में वो बाजरे की मसली हुई रोटी और गुड़ रख दे, थोड़ी सावधानी से, क्योंकि जब कुत्ती पिल्ले को जन्म देती है तब पास में किसी को नहीं आने देती है, तो थोड़ी सावधानी रखें, थोड़ा दूर से वो पेपर डिश वहाँ रख दे। कुत्ती आएगी, आपके बाजरे की रोटी खाएगी, एक दिन दो दिन बाद में उनको मालूम हो जाएगा कि ये मुझे खिलाने के लिए आते हैं। ये उपाय कितने दिन करेंगे? जब तक कुत्ती के पिल्ले बड़े ना हो जाए तब तक, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। कुत्ती के पिल्ले थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पीछे पीछे घूमते रहते हैं माँ के, मगर 4-5 दिन तक आप ये उपाय कर लेते हैं तो, दोस्तों दोबारा बोलता हूँ, राहु केतु आपको सब कुछ देंगे, एक माँ का आशीर्वाद जीवन भर आपके साथ रहेगा। बस दोस्तों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। मौका मिले तो ये उपाय आप अवश्य करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।